शिव, प्रियंका, एमसी स्टैन, शालीन और अर्चना है टॉप 5 बिग बॉस के कंटेस्टेंट। दोस्तों अब घर वाले कुछ ही कदम दूर हैं ट्रॉफी से, लेकिन इससे पहले घर वालों को एक मौका दिया जाएगा इस रेस से बाहर जाने का। बिग बॉस एक टास्क देंगे जिसमें से पैसों का भरा ब्रीफकेस होगा और बिग बॉस कहेंगे कोई एक ये ब्रीफकेस लेके इस रेस से बाहर जा सकता है या फिर इस ब्रीफकेस को ठुकरा के इस रेस में शामिल रहें और ट्रॉफी जीतने के हकदार रहें। दोस्तों हर सीजन में टॉप 5 कंटेस्टेंट के बीच में यह टास्क होता है। अब ये सीजन में कौन ये ब्रीफकेस लेके जाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फैंस की अगर माने तो शालीन या फिर अर्चना गौतम ये ब्रीफकेस का बैग लेके बाहर जा सकते हैं, क्योंकि घर में इतने दिनों से रहने के बाद इनको तो इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि हम ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। और दोस्तों ये डिपेंड करता है कि ब्रीफकेस में अमाउंट कितना है और ज़्यादा चांस है इसका अर्चना का लेने का, क्योंकि अर्चना को पता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ये ट्रॉफी जीत नहीं सकती। वहीं प्रियंका, शिव और स्टैन को ये पता है कि वो टॉप 3 में है तो इसलिए वो ब्रीफकेस नहीं लेंगे और उनके जीतने के चांस भी है तो वो सोच भी नहीं सकते ब्रीफकेस के बारे में। बचे अर्चना और शालीन, ये दोनों सोच सकते हैं। अर्चना में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कहती है कि मैं अपने दम पे आई हूँ, राशन के टास्क में भी वो नंबर 1 के लिए लड़ रही थी, तो अर्चना का भी मुश्किल है। शालीन बाहर हो सकते हैं, अब तो आज या कल में ये पता ही लग जाएगा कि कौन वो शख्स है जो ब्रीफकेस लेके इस रेस से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग का क्या है इस बारे में कहना, अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।